हेलो भाई, आप सबका फिर से स्वागत है तिवारी का डेकोर की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हमारे सामने जो गाड़ी है गाइस, देख लो किया की रहने वाली है सेल्टोस। आज ना कोई ब्रेजा है ना हमारी एक्सयूवी की कोई गाड़ी रहने वाली, आज हमारे पास आई है किया सेल्टोस। तो भैया क्या कर रहे हो सेल्टोस के अंदर? भैया लगभग जो भैया को डिमांड था वो काम करके दिया है। भैया को लाइटिंग प्रॉब्लम थी अपनी गाड़ी में, लाइट सेटअप बना के दिया है। ये देखो भाई, यहाँ पे स्टॉक हेडलाइट के अंदर एलईडी इंस्टॉल करी गई है। बाकी कितने वॉट रहने वाली है? हेडलाइट भी हमने करी है भैया 300 वॉट की एलईडी करी है जी भैया। ठीक है, डैब्स ब्रांड की, जिसकी एक साल की वारंटी रहने वाली है। रिप्लेसमेंट? हाँ जी, रिप्लेसमेंट, हैंड टू रिप्लेसमेंट। नीचे भी हमने प्रोजेक्टर लगा दिया आइस क्यूब वाला, ये देखो जिसके अंदर एलईडी इनबिल्ट रहने वाली है 110 वॉट के अंदर। 110 वॉट की एलईडी है इसके अंदर। आप सामने देखोगे लाइट, ये अंधेरा रहने वाला है। रिस्पांस है अभी दिखाते हैं। ये अपना प्रोजेक्टर रहेगा भैया, फॉग लैंप। ये देखो भाई, खाली प्रोजेक्टर यहाँ पे ऑन है और रिस्पांस चेक करो कितना ब्राइट मिलने वाला है। हेडलाइट रहने वाला है। ये देखो भाई, हेडलाइट के साथ तो सामने का पूरा व्यू जो है साफ क्लियर दिख रहा है आपको। ठीक है भैया, ये तो रहा अपना हेडलाइट में जो एलईडी इंस्टॉल करा है उसका व्यू। अल्टीमेट लाइट रहने वाली है, अल्टीमेट। ठीक है जी, कॉस्टिंग की बात करेंगे 7,500 रुपए की अपनी हेडलाइट की एलईडी रहने वाली है जी भैया। ठीक है जी, फॉग लैंप जो अपने सेटअप किया उसकी कॉस्टिंग 7,500-8,000 रुपए के आसपास रहने वाली है। ये देखो भाई, ठीक है भैया, नेक्स्ट बात करें। इसमें प्रॉपर इसका सेस लगा दिया है, ये ढक्कन इसका चेंज किया हुआ है, ये एक प्रॉपर रिले वायरिंग लगाई है। ठीक है, यानी बैटरी वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा जी भैया। साइड प्रोफाइल से जाएंगे भैया, साइड प्रोफाइल गाड़ी के अंदर इंटीरियर वर्क हुआ है, देख लो भाई। सीट कवर जी भैया, दरवाजे सॉफ्ट टच हुआ अपना प्रॉपर। ये देखो भाई, यहाँ पे सॉफ्ट टच किया गया है, चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो कुशनिंग चेक करो भाई, कितनी अल्ट्रा कुशनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, और साथ में मेमोरी फॉर्म के साथ वर्क किया गया है इसके अंदर। सीट को लगा दिया है फुल बकेट लाइफ टाइम गारंटी वाले, अपने बीच में एम्ब्रॉयडिंग रहेगा। इसकी फिटिंग देख लो आप, फिट एंड फिनिश देख लो जी भैया। ठीक है भाई, इसकी फिटमेंट कितनी अच्छी है, फुल बकेट रहने वाले ही है। चेक कर लो भाई, बाकी डिजाइन वगैरह देख लो कितनी प्रीमियम लुक लग रही है, और साथ में इसकी कुशनिंग, इसकी भी कुशनिंग काफी अच्छी है। मेन जो है भैया, सीट की क्वालिटी रहने वाली है, अपना सोफा लेमिनेशन कपड़ा रहने वाला है जी भैया। ठीक है जी, इसकी बीच में एम्ब्रॉयडिंग रहने वाली है, डिजाइनिंग अपना जी भैया। ठीक है, ये अपना कंफर्ट प्लस ब्रांड का रहने वाला है। इसकी फिट एंड फिनिश आपको पीछे से आगे तक प्रॉपर दिखने वाली है, ये देखो, कोई रिंकल नहीं मिलेगा जी भैया। रिंकल प्रूफ काम किया गया, और साथ में इसकी फिटमेंट भी बहुत अच्छी है, और उसके बाद इसमें जो डिजाइन है वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल अल्टीमेट। साथ में K3 की एम्बियंस लाइट लगा दी गई है इंटीरियर के सेम मैचिंग के लिए, होने के लिए। भाई यहाँ पे इंटीरियर में हमारे यहाँ पे इंटीरियर के लुक जो है लग्जरी बनाने के लिए हमारी एम्बियंट लाइट लगाई है, जो कि हमारी K3 रहने वाली है इस बार। अगर आप इंटीरियर की बात करेंगे, सीट कवर लगा दिया जी भैया। ठीक है, आर्मरेस्ट पे लगा दिया लेदर रैप, ये देखो भाई आर्मरेस्ट पे भी लेदर रैप कर दिया गया है। फिटमेंट देखो, सॉफ्ट टच कर दिया अपने डोर्स पे जी भैया। डैशबोर्ड अपना लगा दिया दोनों, ये देखो भाई डैशबोर्ड पे भी किया गया है। तो इसकी भी मैं फिटमेंट वगैरह आपको चेकआउट करा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हल्की सी भी इस पे भी रिंकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, और स्ट्रेचिंग जो है बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से करी गई है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर सॉफ्ट टच इंटीरियर कर दिया भैया। ऐसी इस क्वालिटी के इंटीरियर की कॉस्टिंग आपको 15,000-20,000 रुपए के आसपास पड़ती है। ये सॉफ्ट टच वगैरह सब कुछ हर चीज मिला है, क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी का था जी भैया। बेसिक जगह 7,000-8,000 से स्टार्ट हो जाता है, यानी मेनली जो है इस गाड़ी में इंटीरियर पे फोकस किया गया। बिल्कुल, इंटीरियर एम्बियंस लाइट लगा दी K3 वाली अपनी। ये देखो इसकी फिटमेंट देखो भाई, सबसे पहले तो आप यहाँ पे फिटमेंट देख सकते हो, OEM की तरह रहने वाला, हल्का सा भी एक्स्ट्रा जो है बाहर नहीं निकल रहा है। देखो हाथ लगाने पे पूरा अंदर की तरफ फिट है, और साथ में लुक भी काफी इनहेंस करा है। बाकी इसमें मोड्स कितने मिल जाते भैया? आपने बहुत सारे मोड्स होते हैं, अल्टीमेट कलर होते हैं भैया। वो K3 चाहिए था, सिंगल लाइट वाला चाहिए था, इसलिए K3 लगाया जी। मल्टी चाहिए तो किसी को रेनबो वाला, तो हम K4 लगाएंगे भैया, जैसे उनको चॉइस चाहिए। ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे K4 का भी ऑप्शन है। बाकी अगर कोई भाई जैसे K4 लगाता है ना, तो वो K3 में भी सेटअप कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 10 पीसेस के अंदर अपने रहने वाली, 4 अपने दरवाजे में जी भैया, दो अपनी डैशबोर्ड पे रहेगी। ये देखो भाई, 2 डैशबोर्ड पे अपनी, और यहाँ पे चेक कर लो, यानी फुट पे भी लगाई गई है। देखो भाई यहाँ पे चेक कर लो भाई यहाँ पे, और साथ में लाइटनिंग वगैरह देख सकते हैं। बाकी इसमें अल्टीमेट मोड्स भी मिल जाते हैं आपको, और साथ में BS में और क्या कुछ करवा सकते हैं हम? BS में हमने एक एंड्रॉइड लगाया है डैप्स का, 6GB 128GB विद ग्लॉसी फ्रेम के साथ, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ फ्रेम लगवाया है। ज्यादा लंबा फ्रेम चाहिए नहीं था भाई। फ्रेम भी देखो पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फिटमेंट वगैरह कितनी प्रॉपर है। साथ में इसकी टच क्वालिटी भी दिखाता हूँ मैं आपको क्या रहने वाली है। तो ये देखो भाई, ये देखो कितना ही फास्ट रिस्पांस है, जो 6GB बोलते हैं ना वो प्रॉपर मिल रहा है ये प्रॉपर 6GB है भैया, 6GB 128GB है। यहाँ पे देख लूंगा आप CPU जेड भी डाउनलोड किया हुआ है, दिखा दीजिए एक बार। ये रहा CPU जेड, यहाँ से लग जाएगा वेरिफिकेशन की सच्चाई है झूठ है। ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको। ये देखो प्रॉपर आपको सारी डिटेल्स जो है ना वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और इसकी वारंटी क्या कुछ रहती है भैया अपनी? ये एक साल की वारंटी है सिस्टम की। बाकी भैया जो है खुद ही इस चीज के थोड़े एक्सपर्ट है जी। ठीक है भैया, ऐसे उनको सब पता है इस चीज के बारे में जी। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 53GB इंटरनल अवेलेबल है। ये देखो, ठीक है भैया जी भैया, बाकी आपको जो देखना है यहाँ सब देख सकते हो। ये देखो भाई, हर चीज मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इसका फ्रेम वगैरह चेक करो कितना प्रॉपर ग्लॉसी फ्रेम है अपना भैया। हाँ जी, ग्लॉसी ब्लैक। ये देखो भाई, उसका फिटमेंट भी कितनी OEM निकल के आई है। बाकी किसी को पूरा बड़ी स्क्रीन जो आती है ना अपनी, कितनी मिल जाएगी भैया? इसमें 12.33 भी लग जाएगा आपका जी भैया, वो भी अपने पास अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है भाई, अपने डैप्स का अपना ओरिजिनल रहने वाला है। यहाँ पे चेक कर लो, और साथ में यहाँ पे टच रिस्पॉन्स भी
भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। साथ में इसमें हमने फ्रंट कैमरा भी लगाया भैया का ब्लॉपंग का, वो भी दिखा दीजिए आप देखेंगे तो फ्रंट कैमरा। बाकी अभी नाइट व्यू है भाई, फिर भी आपको थोड़ा बहुत दिखा देते। तो देखो सामने का व्यू कितना प्यारा आपको देखने को मिलेगा। ये देखो लाइट बंद कर दी मैंने, ये देखो भाई नाइट का, यहाँ देख सकते पूरा अंधेरा हो रखा है, यहाँ देखो भाई यानी पूरा क्लियरिटी दिख रही है भैया, बिल्कुल प्रॉपर क्लियरिटी मिलने वाली है गाड़ी के अंदर आपको, ये देखो भाई। तो बाकी भाई आपने यहाँ पे फ्रंट का व्यू तो देख ही लिया है कितना ज्यादा क्लियर है। ये देखो भाई सामने बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, फिर भी यहाँ पे कैमरे के बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा व्यू आपको देखने को मिल रहा है। अल्टीमेट लाइट कैमरा लगाया है, बाकी का लाइटिंग फिर से आप देखेंगे तो ये अंधेरा है। ये देखो भाई अब आपको चेकआउट कराते हैं एक बार दोबारा, प्रोजेक्टर ये और ये देखो हेडलाइट भैया। डिपर के बाद तो रिस्पांस बहुत ही ज्यादा आरपीएल लेवल का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखो भाई चेक करो यहाँ पे, यानी सामने तो बिल्कुल भी गड्ढे वगैरह जो भी आएंगे बिल्कुल क्लियर दिखेगा प्रॉपर बिल्कुल जी भैया। बाकी स्टीयरिंग रैप वगैरह भी अपने पास अवेलेबल है, स्टीयरिंग अवेलेबल है भैया। ये ऑलरेडी टॉप मॉडल स्टीयरिंग लगा हुआ है, इसे हमने चेंज नहीं करवाया। इसमें आपका क्रॉस विंग लगा हुआ है जी, ठीक है। आपको लगवाना तो ये स्टीयरिंग का भी लग जाएगा अपने पास, 1500 रुपये रेंज में स्टीयरिंग हो जाएगा। ये भैया ने रेंज भी बता दिया क्या कुछ रहने वाली है। बाकी यहाँ पे किसी भाई को फ्लोरिंग वगैरह फ्लोरिंग करिए भैया, इसमें क्रोकोडाइल फ्लोरिंग करिए। अच्छा आपने हम नहीं करिए, हाँ जी चेक कर लो भाई इसकी फिटमेंट वगैरह कितनी अच्छी है। बाकी जो थोड़ी सी धूल मिट्टी है ना वो इजीली क्लीन हो जाएगी, गीला कपड़ा मारोगे बिल्कुल नए जैसा यहाँ पे हो जाएगा। बाकी मेन काम है वो इंटीरियर का अपना रहने वाला। देखो भाई मेन जो है वीडियो जो है आज इंटीरियर के ऊपर बनाई गई है, देख सकते हैं कुछ ऐसे लग्जरी इंटीरियर अगर आपको भी करवाने हैं तो उसके लिए आपको विजिट करने पड़ेगा हमारी शॉप तिवारी का डेकोर। बाकी इसके अंदर भी काफी वैरायटीज और काफी कलर हमारे पास अवेलेबल बिल्कुल, लेकिन एक टॉप रेंज का सीट कवर है और इंटीरियर लगा इस गाड़ी के अंदर जी भैया। किसी भी गाड़ी में आपको सीट कवर इंटीरियर लगाना अपने पास अवेलेबल है किसी भी गाड़ी का जी। और बाकी कलर पैटर्न डिजाइन सब चीज अवेलेबल, सारी चीजें अवेलेबल है। बाकी मिलिए भाई हमारे गाड़ी के ओनर से। सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। आपका नाम? जैन। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। सर गुड़गांव से आप बिट्टू भैया के पास आए हो करोल बाग में, आपको पता कहाँ से चला? मुझे YouTube वीडियो से ही पता चला था और ये मेरी सेकंड गाड़ी है जो मैं उनके पास लाया हूँ, XUV 300 एक बार करा चुका हूँ। अच्छा आपने यानी पहले भी हमसे काम करवाया था, तो यानी पहले से भी जानते हैं आप, ठीक है सर। बाकी ये बताइए जैसे आपने पहले काम कराया था और अब के मुकाबले काम कैसे लग रहा है आपको? यार पहले भी एकदम A1 काम था, अभी भी बहुत अच्छा काम है जी। और सेल्टॉस में मैंने पहली बार कराया अपनी और मतलब मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बाकी सर आप मेन जो इंटीरियर के लिए आए थे तो वो इंटीरियर आपको मिला है जिस चीज के लिए आप आए थे? इंटीरियर और लाइट के लिए आया था मैं, दोनों चीजों से मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ। बाकी रेटिंग क्या देना चाहेंगे 10 में से आप? यार 10 फुल रहने वाली है रेटिंग। अब भैया बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं जी। और बात करके कोई भी मतलब बात करो आप अपना बजट बताओ तो वो काफी कोऑपरेट करते हैं जी। क्वालिटी कैसी लगी मेरे काम की? बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत बढ़िया लगी। अभी तक गाड़ी हमारी XUV 300 में भी कोई शिकायत, उसमें कोई शिकायत तो नहीं है जी। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप भी यूट्यूब के थ्रू आए और पहले भी काम करवाए हो, आपसे लोग जैसे पूछेंगे गाड़ी के बारे में कहाँ से कराई तो रिकमेंडेशन वगैरह रहने वाली? हमेशा हमेशा मेरे दोस्त वगैरह बहुत सारे नेक्सॉन लेके आ चुके हैं, XUV 300 ला चुके हैं और भी यानी आपने पैसे भेज रहे हो रेगुलर जी, यानी काम से कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। सवाल जी, शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।